जिसे अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता वो कभी सक्सेस नहीं होगा। और लड़का लोग के अनसक्सेस होने के पीछे दो ही सबसे बड़ा हाथ है, एक मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिता देना, कहीं भूल जाएगा, दूसरा लाल पी। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं, तुम बड़े हो अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा, हम सब उसी मिट्टी से बने सब, पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर, बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार, जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को, जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है, और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुमने किसी को अगर एक बार भी कटवचन बोला है 10 बार तुम्हें कटवचन सहना होगा। ये भूमि है जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती है, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा जैसा कर्म किया है।